और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके सामने है. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन. ठीक है, अब ये हमने नेक्स्ट टॉपिक न्यूरॉन ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, उसकी वजह है, उसकी क्या वजह है वो अभी मैं आपको बताता हूँ. देखिए, न्यूरॉन पढ़ने की इस वक्त रीजन एक्चुअली ये है कि हमारे जो हमने कल पढ़ा था कि जो भी स्टिमुलस रिसीव होता है, उस स्टिमुलस के रिसीव होने के बाद वो स्टिमुलस जाता है कोऑर्डिनेटर तक. वो जो कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर कोई भी हो सकता है, चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, और इवन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही कोऑर्डिनेटर नहीं है बल्कि कुछ मजीद कोऑर्डिनेटर भी हैं. कुछ मजीद कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी मौजूद हैं. थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज. सो मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग चल रही है जी. आप लोग इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा आगे करके देख लीजिएगा. हमने बात की थी कि जो स्टिमुलस है वो डायरेक्ट जाता है कोऑर्डिनेटर तक, और कोऑर्डिनेटर तक जाने के बाद वो जो स्टिमुलस है वो आता है बैक टूवर्ड्स द इफेक्टर. आप लोगों को स्क्रीन शेयर शुरू होगी ना. जी. सो अब स्टिमुलस से, और ये बात मैंने आप लोगों को कल भी कही थी कि स्टिमुलस से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जो स्टिमुलस जाता है वो, या जो भी ट्रैफिक होती है वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं. न्यूरॉन्स जो हैं, सबसे पहले इनके बारे में जो बात समझने की है वो ये है कि सबसे पहले तो हम न्यूरॉन्स को एक जो है वो सेल के तौर पर डिस्कस करेंगे. फंक्शनली देखें, हमें दोनों, आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यानी सेल का जैसा फंक्शन होगा वैसे ही उसका स्ट्रक्चर इसेंशियली होगा, लाजमी है. तो लिहाजा हमने पहले जो न्यूरॉन है उसका हमने पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि वो न्यूरॉन जो है वो फंक्शन कैसे कर रहा है, अपने उस स्ट्रक्चर से वो फंक्शन की हेल्प कैसे ले रहा है. तो ये दोनों चीजें जो है ये अब हमने पढ़नी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. ये ज्यादा बन गया, इसको मैं कोशिश करता हूँ एक स्टार शेप जो है वो हम बना लें, बस कुछ जो है वो इजाफी कर लेते हैं. जी बेटा, याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन्स है ये जब एक दफा मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये स्टेम सेल्स होते हैं. एस्ट्रोसाइट्स जो है ये मेच्योर होते हैं, ठीक है, इनमें मेच्योरिटी का प्रोसेस होता है, और ये सेल जो है ये अपनी लेंथ में इंक्रीज होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं. और जब ये अपने लेंथ में इंक्रीज होते हैं मेच्योर होने के बाद, ये डिफरेंट सेल्स में बनते हैं. अच्छा, एस्ट्रोसाइट यानी मेच्योर सेल जो होते हैं ना, जो इमेच्योर सेल होते हैं, इनको आप न्यूरोब्लास्ट सेल भी कहते हैं, इमेच्योर न्यूरॉन सेल, ठीक है. ये जब इमेच्योर होते हैं तो उस टाइम पर इनको नहीं पता होता कि इन्होंने किस में चेंज होना है, लेकिन जब ये मेच्योर होते हैं तो हमारे ब्रेन में कई तरह के सेल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं होते, हमारे ब्रेन में कई तरह के सेल्स होते हैं. ये जो सेल्स हैं इनका, इनके लिए इसेंशियली क्या जरूरी है कि इनकी, इनका जो साइज और शेप है वो स्पेशल टाइप की हो, मतलब ये इस तरह से फैले हुए हों, ठीक है. अब ये फैली हुई क्या चीज है, क्या उस सेल के अंदर से कोई चीज निकल रही है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल इतना बड़ा सारा क्यों हो गया है, ठीक है. यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर मुझसे गलत बन गया, ठहरिएगा. ये न्यूरॉन ऐसे लंबा सा होता है और उसके आगे से चंद फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक. सो ये हम नवा, अब हम जो है वो सारा स्टडी करने लगे हैं. अब यहां पर जो चीज पढ़ने वाली है, जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ना है, वो ये है कि न्यूरॉन इज जस्ट अ सेल, नथिंग एल्स. यहां पर न्यूरॉन को कोई
बहुत ही जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं कंसिडर करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में कोई बहुत ही स्पेशल चीज हो। न्यूरॉन बिल्कुल वही चीज है जो हमारी बाकी बॉडी में मौजूद है, मतलब सेल्स की तरह ही की चीज न्यूरॉन है, जिसमें आपको नजर आ जाता है एक अदद न्यूक्लियस नजर आ जाता है। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि ये न्यूरॉन जो है ये इस शेप का क्यों है, ऐसे स्टार शेप मैंने क्यों बनाई है, फिर इसको इतना लंबा सारा क्यों बनाया है। बेटा याद रखिए, ये भी और ये पोर्शन भी, ये दोनों न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब क्या हुआ कि न्यूरॉन सेल ही इतना लंबा है, ये इसमें से कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं निकल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इनको हम स्पेशल नेम देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इनको हम स्पेशल नेम देते हैं, लेकिन नेम इनको देना अलग बात है। हमारी नेमिंग जो है वो सेल के स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं डालती, वो हमारी आसानी के लिए हमने नेम रखे होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर के। वरना ये जितना आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यानी ये वाले और ये वाले रीजन जो है जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज रीजन्स आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्सटेंशंस है, यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ये सेल अपनी शेप कितनी चेंज कर चुका है। आमतौर पर सेल की शेप क्या होती है, आमतौर पर सेल इस शेप का होता है। फर्ज करें ये एस्ट्रोसाइट है, ये इस शेप का, मेच्योर होते होते सेल की लेंथ बढ़ गई। क्यों सेल की लेंथ क्यों बढ़ गई है? सेल की लेंथ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि फंक्शन डिमांड कर रहा है कि सेल की लेंथ बढ़ाई जाए। फंक्शन डिमांड कर रहा है कि सेल की लेंथ बढ़ाई जाए। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं बेटा, इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी जो दो एक्सटेंशन है, एक यहां वाली, ये एक्सटेंशन, ये दोनों, ये इनका एसेंशियली पर्पज क्या होता है? इनका एसेंशियली पर्पज बेटा ये होता है कि ये जो स्टिमुलस होता है उसको टूवर्ड्स द सेल बॉडी लाते हैं। याद रखिए, ये रीजन जिसमें आपको न्यूक्लियस का रीजन नजर आ रहा है, दिस रीजन इज नोन एज सेल बॉडी, दिस रीजन इज नोन एज सेल बॉडी। न्यूक्लियस है इस सारे हिस्से में, बेटा याद रखिए यहां सारे हिस्से में साइटोप्लाज्म मौजूद है, इस सारे हिस्से में, और कोई धोखा मत खाइएगा, इस सारे हिस्से में साइटोप्लाज्म मौजूद है। ये सेल बॉडी के रीजन के अलावा जो हिस्से सेल बॉडी से निकल रहे हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री, और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म मौजूद है। सो दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया साइटोप्लाज्म, वो सेल बॉडी हो गई। सेल बॉडी से दो सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोसेस निकल रहे हैं। एक वो है जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। याद रखिए, जो भी स्टिमुलस होगा वो इलेक्ट्रिक होगा। जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलस सेल बॉडी की तरफ लाने वाले प्रोसेस होते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलस को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं, उनको आप कहते हैं डेंड्राइट्स। याद रखिए, डेंड्रॉन कोई वर्ड नहीं होता, डेंड्रॉन इज स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड, हमेशा याद रखिएगा। ये आप लोगों की बुक में अगर डेंड्रॉन का वर्ड लिखा हुआ है तो आपकी मजबूरी है कि आपको लिखना पड़ेगा, बट डेंड्रॉन इज स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड। अब वर्ड जो यूज होता है वो डेंड्राइट और डेंड्राइट्स का वर्ड यूज होता है, और कोई वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, अच्छा जो तो स्टिमुलस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आ रहे हैं, उनको आप कहेंगे डेंड्राइट्स। और जहां से स्टिमुलस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मूव कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मूव कर रहा है, ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मूव करने वाला स्टिमुलस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट को आप कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट डेंड्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो ये स्टिमुलस जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मूव करता है, तो उस रीजन को आप एक्सॉन कहते हैं, और जब सेल बॉडी की तरफ स्टिमुलस लाया जाता है तो उस बॉडी उस प्रोसेस को आप डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो एक इसका मुख्तसर सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा इसमें क्या मौजूद होते हैं बेटा, उसके अलावा इसके अंदर आपको रेड स्पॉट्स छोटे छोटे नजर आएंगे, ऐसे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स नजर आएंगे। उसको आप लोगों की बुक में इन्होंने एक अजीब सा नाम दिया हुआ है, ये ऐसे ये ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे रेड कलर के, लेकिन ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा जनाब इसकी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इधर जो है वो फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्योंकि हेल्प करनी होती है ना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में,
तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, चाहे वो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म हो, हर जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फैलना जरूरी होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों का टाइम लूंगा, यहाँ पर एक जो बुक है ना वो मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि हमें जो है ना वो ये अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाए कि एक्चुअली बात यहाँ पर क्या हो रही है। जी सर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ना हम ये दो फाइल जरा खोल लें। जी इसके साथ अभी ये बुक दूसरी खुलने लगी है और साथ में जो है वो मैं कंटेंट्स की फाइल खोली है, उसमें आपको न्यूरॉन की बड़ी जबरदस्त किस्म की डायग्राम मिलेगी। ठीक है, यहां पर जो है वो एक मिनट रुकिएगा सर। कंप्यूटर हैंग हो गया। इतना बोझ तो नहीं डाला था भाई। अब बात आए, हाँ जी यहाँ पर जो है वो इसके कंटेंट्स में देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, छोड़। अच्छा जी वो अभी आ जाता है। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के साथ साथ आप लोगों को कुछ मजीद सेल्स भी दिखते हैं। याद रखिए, इसमें सबसे पहले तो बात समझने की है कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। एक होता है फैट टिश्यू, याद रखिए नर्वस सिस्टम तकरीबन 50% से ज्यादा फैट टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यह होती है कि नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करवाता है? इंसुलेशन। नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा इंसुलेशन करवाता है। नर्वस सिस्टम में फैट टिश्यू का बहुत बड़ा हिस्सा इंसुलेशन करवाता है। तो फैट टिश्यू अगर इंसुलेशन ना हो तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरी बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फैट टिश्यू जरूरी होता है। तो तकरीबन मोर देन 50% हमारे नर्वस सिस्टम में फैट टिश्यू होता है। फिर उसके अलावा नर्वस सिस्टम में बाकी क्या चीजें होती हैं? बाकी सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें सेल्स में जो है वो मेच्योर सेल्स भी हैं और इमेच्योर सेल्स भी हैं। मेच्योर और इमेच्योर में हम जो है वो फर्क करेंगे। मेच्योर सेल्स में बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बुक में इन्होंने बताए नहीं हुए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा टाइप्स आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि बहुत से सेल्स जो हैं वो तो न्यूरॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जाने का फंक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं इनकी आगे दो टाइप्स होती हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स में एक होते हैं जिनको आप कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। और उसके साथ एक और सेल होते हैं जिनको आप कहते हैं श्वान सेल्स, इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये अब एक एक करके हम जो है वो पढ़ने लगे हैं कि ये सेल्स क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारा जो अभी हमने डायग्राम ओपन करने की कोशिश की थी वो अभी ओपन होने की कोशिश कर रही है। मैं ये सॉफ्टवेयर चेंज करने की सोच रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत तंग कर रहा है। कल भी यही हुआ था। अभी कहाँ से इसने खोल दिए बुक? जी ये यहाँ पर जो है वो एक तो बात कर रहा है ये निजल्स ग्रैन्यूल, ये उसको इतना मुश्किल नाम दिया हुआ है निजल्स ग्रैन्यूल्स का, हालांकि है वो राइबोसोम है और खुद भी यही कह रहा है। Which are groups of ribosome associated with rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus are present in the cell body? So, ये Nissl granules असल में ribosomes ही हैं। ठीक है, So, एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा मैं आप लोगों से ये बात करने लगा था इस बुक में
कि इस बुक में जो है वो एक चीज गिवन है, उसको हम देखते हैं 1065. यहाँ पर बड़ी जबरदस्त डायग्राम जो है वो हमें मिलेंगी, तो हम वो जो है डायग्राम्स दिखाने की कोशिश में इतना लंबा सारा चक्कर जो है हमें चलाना पड़ा जी. ये मेरा ख्याल है कि हाँ जी न्यूरॉन वाला ही ओपन हुआ, ऊपर होगा न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये देखिएगा, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद जो है वो एक्सॉन, एक्सॉन हिलॉक दिखाया हुआ, ये एक्सॉन है, एक्सॉन लेकर जा रहा है दूसरी सेल बॉडी तक, ठीक है, दूसरी सेल बॉडी तक जो है वो मैसेज लेकर जा रहा है, ये एक सेल बॉडी, ये दूसरी सेल बॉडी, ये दिखाया हुआ है कि दो न्यूरॉन्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, एक जो होता है उसके पास मैसेज आता है थ्रू इट्स डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट से मैसेज आया सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से मैसेज ट्रेवल करेगा एक्सॉन में, एक्सॉन से मैसेज कन्वे होगा अगली सेल बॉडी के डेंड्राइट्स तक, बस उसके बाद इसका काम खत्म है, फिर इसका काम है कि ये कहाँ लेकर जाता है उस इंपल्स को, ठीक है. एक तो ये डायग्राम आपको दिखानी थी, उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है ग्लाया, ग्लाया का मतलब होता है ग्लू, ये देखें, रिक्वायर सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड ग्लाया, ग्लाया सेल्स और ग्लू, इनका फंक्शन क्या होता है, ग्लाया नरिश न्यूरॉन्स, मतलब उनको फूड देते हैं, इंसुलेट द एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड रेगुलेट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग न्यूरॉन्स, ठीक है. अच्छा, इसमें जो ग्लायल सेल्स होते हैं उनको किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, यहां पर इन्होंने उसको दिखाया भी हुआ, तो उसको भी हम देखेंगे अभी यहां से. अब मैं आप लोगों को जो है वो एक और बात बताता हूं बेटा, कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. अभी हमने बात की ना न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उसके बाद दो टाइप्स के होते हैं. एक न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं या चले इसको आप इस तरह कर लें कि एक न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है. और एक और टाइप भी होती है सेंसरी मोटर, और तीसरी टाइप होती है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की. वो क्या होती है वो मैं अभी आप लोगों को जो है वो दिखाता हूं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कौन से होते हैं. बच्चे सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर ले अपने माइंड में कि सेंसरी न्यूरॉन वो है, वो वाले न्यूरॉन्स जो मैसेज पिक करेंगे रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से मैसेज को पिक करके किधर लेकर जाएंगे, ब्रेन तक या कोऑर्डिनेटर तक लेकर आएंगे, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक उन्होंने लाना होता है उस मैसेज को. उसके बाद जो है मोटर न्यूरॉन्स की बारी आती है. मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि मैसेज ये कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर से, और कोऑर्डिनेटर से मैसेज कैरी करके दे मूव इट टुवर्ड्स द इफेक्टर्स, ये इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाते हैं उस किसको स्टिमुलस को, ठीक है. एसोसिएटिव कौन से होते हैं, चलें अब इसको समझते हैं जरा. एसोसिएटिव न्यूरॉन्स वो होते हैं, ये देखिएगा, एक न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी, ये समझ लीजिए उसका डेंड्राइट है. डेंड्राइट का क्या मतलब है कि मैसेज नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा. मैसेज जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है फ्रॉम द फाइबर टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है, मैसेज जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मैसेज नीचे से ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ जो, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अगर मैसेज इस तरफ आ रहा है तो आप देखेंगे कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, यानी कि ये मैसेज कहां से कहां लेकर आ रहा है, इसका मतलब है. और यहां पर ये अज्यूम कर लें कि ये आपका ब्रेन है, यहां पर ब्रेन है, ठीक है, ये अज्यूम कर लें कि शायद ब्रेन है और ये वाला, ठीक है, तो जो स्टिमुलस है वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए डेंड्राइट से होता हुआ कहां आया है, डेंड्राइट से होता हुआ सेल बॉडी की तरफ आया, और इधर मौजूद है जनाब एक अदद मोटर न्यूरॉन. अब वो मोटर न्यूरॉन ऑब्वियसली अगर वो मोटर है तो वो मैसेज कहां से लेकर जाएगा, ब्रेन से इफेक्टर तक लेकर आएगा, ठीक है. अब यहां पर जो मुश्किल पैदा हो रही है वो क्या है कि एक न्यूरॉन तो हो गया सेंसरी, ये वाला न्यूरॉन क्या हो गया, इस न्यूरॉन को आपने बना दिया मोटर, यानी वो न्यूरॉन जो के मैसेज को लेकर अवे जा रहा है, ठीक है. इसका मतलब है अगर मैसेज जो है वो सेल बॉडी से अवे मूव कर रहा है तो ये वाला फाइबर क्या कहलाएगा बेटा, ये वाला फाइबर कहलाएगा एक्सॉन, ठीक है,
ये वाला फाइबर एक्सॉन कहलाएगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि स्टिमुलस से स्टिमुलस आया सेंसरी न्यूरॉन से सेल बॉडी तक, अब उस स्टिमुलस ने मोटर न्यूरॉन से वापस कहाँ जाना है, टुवर्ड्स द इफेक्टर जाना है. ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दरमियान में ये जो जगह खाली है जिससे जो मैसेज जो है वो इधर से इधर जाना है, इधर से इधर मैसेज को कौन लेकर जाएगा? बेटा याद रखिए, इधर से इधर ले जाने वाला जो न्यूरॉन होगा उसको आप कहेंगे, उसको क्या कहेंगे आप खुद भी गैस कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे एसोसिएटिव न्यूरॉन. दिस न्यूरॉन विल बी कॉल्ड एज एसोसिएटिव न्यूरॉन. ये एसोसिएटिव न्यूरॉन है. ठीक है, याद रखिए ये बात कि जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जितने भी होते हैं उनका काम यही होता है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ स्टिमुलस होना है, जो स्टिमुलस ने एक से निकल के दूसरे में जाना है, ये स्टिमुलस ट्रांसपोर्ट करने का, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का जो स्टिमुलस है वो जो न्यूरॉन है वो कहलाएगा, जी बेटा एक मिनट, वो न्यूरॉन कहलाएगा एसोसिएटिव न्यूरॉन. बहुत अच्छा सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल बॉडी? बेटा याद रखिए, जितने भी स्टिमुलाए प्रोसेस किए जाते हैं वो सेल बॉडीज में किए जाते हैं. इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोऑर्डिनेटर ना तो सिर्फ ब्रेन होता है और ना ही सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड होती है, कोऑर्डिनेटर कुछ और भी होते हैं. और वो कौन से होते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ. बेटा अवैस, आपके सवाल की जवाब की कंटिन्यूटी में मैं आपको बताने लगा. देखिए बेटा, याद रखिए कि हमारे नर्वस सिस्टम में डिफरेंट किस्म के जो है वो पोर्शंस होते हैं. जैसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं नर्व्स क्या होती हैं बेटा याद रखिए, नर्व्स इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ एक्सॉन्स. नर्व में एक्सॉन होते हैं सिर्फ, और ये एक टिश्यू होता है, मतलब कई एक्सॉन से मिलके बनता है, कई न्यूरॉन के एक्सॉन से. ठीक है, तो कई सेल जब एक ही टिश्यू में एक ही जगह पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं. तो नर्व जो है वो एक्सॉन की कलेक्शन होती है. उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ खास किस्म के पोर्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं गैंग्लिया, या सिंगुलर होता है गैंग्लियॉन. ये क्या होते हैं? ये बेटा क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज, और ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं. ये सिर्फ आपको पता है, हमारा ब्रेन गैंग्लिया का क्लस्टर है. बहुत ज्यादा गैंग्लिया एक जगह जमा हो गए हैं तो ब्रेन बन गया. हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर गैंग्लिया डिवाइडेड है. ये जो गैंग्लियॉन होते हैं ना, ये गैंग्लिया होते हैं, इनके पास जिस बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक होता है वो इख्तियारात जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं और दूसरे होते हैं वो इख्तियारात जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते हैं, बिल्कुल वैसे ही. और इसी तरह से कुछ इख्तियारात होते हैं जो हर शहर के, हर जिले का जो हेड होता है, अब मुझे नहीं एग्जैक्टली याद उसको क्या कहते हैं, काउंसलर कह लें, मेरे ख्याल वही होता है, उसके पास होते हैं. अब ये जो गैंग्लिया होते हैं ना, गैंग्लिया या गैंग्लियॉन, इनके पास ये डिसाइड करने का इख्तियार होता है कि फलां स्टिमुलस एमरजेंसी है या फलां स्टिमुलस नॉर्मल है, फलां स्टिमुलस एमरजेंसी है या नॉर्मल है, ये डिसाइड करने का इख्तियार गैंग्लिया को होता है. और उसको उस स्टिमुलस की नौयत को डिसाइड करके बिहेव करने का इख्तियार ब्रेन के पास भी नहीं होता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है. दो एग्जांपल देता हूँ, एक का आप पढ़ेंगे आगे, एक अदद जो है वो फिनोमिना पढ़ेंगे आप रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से, जरा गौर से सुनिएगा. आपने किसी हीटेड सर्फेस को टच किया और वापस खींच लिया. अब जब आपने उस हीटेड सरफेस को टच किया और यकदम हाथ वापस खींचा तो वो एक्चुअली क्या था, वो स्टिमुलस गर्म लगने की हद तक तो वो आपको कहां पता लगेगा, ब्रेन में. लेकिन उस सरफेस को डेंजरस समझते हुए जो आप हाथ खींचेंगे
उसका डिसीजन ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लिया ले चुके होंगे, और अगर ये स्टिमुलस ब्रेन तक जाए तो हमारा हार्ट डैमेज हो सकता है। मतलब अंदाजा करें, अगर हाथ का स्टिमुलस, हाथ का जो हीटेड सरफेस पे हाथ लगा है वो स्टिमुलस ब्रेन तक जाता है तो हमारा हाथ डैमेज हो सकता है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरह डिसीजन लेके वहीं से इतना स्टिमुलस जो है वो अवैस। यार एक बात मैंने मॉर्निंग के लेक्चर में भी मना की हुई और इवनिंग में भी, कि जब मैं बोल रहा हूं तब कुछ नहीं करना, गलत हरकत है। अगर जो है वो आपने एक हाथ हीटेड सरफेस को टच किया और वो स्टिमुलस आया स्पाइनल कॉर्ड तक, तो आपके ब्रेन को ये जरूर बताया जाएगा कि भाई आपको पेन हो रही है, आपको वार्म्थ फील हो रही है, लेकिन आपको ये हरगिज नहीं कहा जाएगा कि भाई ब्रेन डिसाइड करे कि हाथ पीछे हटाना है कि नहीं हटाना। जो स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लिया हैं उनका काम सिर्फ इतना ही है कि आपके स्केलेटल मसल को रिफ्लेक्स एक्शन के काबिल बनाना। हाँ, अब आते हैं, ब्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड गैंग्लियॉन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। क्यों सबसे ज्यादा नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि बाकी सारे बहुत ज्यादा होते हैं, मुझे कंसर्न नहीं है ये ज्यादा कितने होते हैं, लेकिन जो ब्रेन में मेजर काम है वो ये है कि इधर से आते हुए स्टिमुलस को वापस लेकर जाना। अब वो जो स्टिमुलस इधर से आकर वापस जा रहा है वो एक्चुअली क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की वजह से जा रहा है। तो ब्रेन में बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा है कि ब्रेन में गैंग्लिया हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, और वो गैंग्लिया एसोसिएटिव न्यूरॉन का काम कर रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन से जो स्टिमुलस आ रहा है वो एसोसिएटिव से होकर वापस जा रहा है। जी सो अब मैं यहां पर आप लोगों को जो है वो चॉइस दे देता हूं, आप लोग मजीद क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यू आर आजाद, आपको जो है वो आजादी है। ये पता नहीं ये वाला कैमरा क्यों ऑफ हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग वाला, रिकॉर्डिंग वैसे तो हो रही है लेकिन ये कैमरा ऑफ हो जा रहा है। तूने कोई बात कही होगी यार इसको। जी सर, सो नर्व का सोल पर्पस क्या है बेटा? हाँ जी, ये कौन बोलने लगा? मेरा ख्याल शुएब ही होगा। जी जी फरमाइए फरमाइए। यार एक मिनट, मैंने ये अवैस का एक मिनट ये अवैस का क्वेश्चन आया हुआ, ये पहले कर लें। सो नर्व का सोल पर, नर्व का सोल पर्पस बेटा ये है कि इसने मैसेज को ब्रेन तक कन्वे करना है, बस। किसी भी न्यूरॉन का पर्पस यही होता है। न्यूरॉन की सेल बॉडी, या इसको आप यूं कह लें कि एक्सॉन, एक्चुअली एक्सॉन का पर्पज ये होता है कि मैसेज को लेकर आगे चले जाओ, उसके बाद वो डिसीजन सेल बॉडी ले या गैंग्लिया लें, वो उसकी गर्ज नहीं है। उसकी गर्ज ये है कि मैसेज आया, कन्वे करके आगे पहुंचा दिया, चलो भाई खत्म बात, ये पर्पज है टोटल। और यही अगर दरमियान में से एक्सॉन रिमूव हो जाता है तो फिर वो सिलसिला मुनकता हो जाता है। ठीक है, अवैस अभी आप जरा रुक जाइएगा, अभी शुएब जी बोले। यार पता क्या है, पहली बात तो ये शुएब के ये जो एबनॉर्मेलिटी होती है ना, ये आपके बॉडी में या ब्रेन में किसी एक खास बीमारी का नतीजा होती है, और ऐसी बीमारियां कहलाती हैं लूप डिजीज। लूप डिजीज का क्या मतलब होता है? लूप डिजीज का मतलब ये होता है कि आप एक लूप में आ जाते हैं, कोई एक बिहेवियर आप कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, करते मतलब हंस रहे हैं तो हंसते जा रहे हैं, रो रहे हैं तो रोते जा रहे हैं। ऐसे मौके पे जब ब्रेन इस तरह की एबनॉर्मेलिटी का शिकार हो जाता है तो बाकी सेंसेशंस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि आपके ब्रेन का सारा फोकस एक तरफ चला गया, एक ही लूप की तरफ चला गया। आप हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, वो सारा फोकस ब्रेन का उस तरफ चला गया है, बाकी तमाम सेंसेशन रिड्यूस हो जाती है। ये मुख्तसर तरीन आंसर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं इसकी पूरी न्यूरोफिजियोलॉजी आपको बता नहीं सकता। ये मुख्तसर तरीन जितना मैं आंसर दे सकता हूं वो मैं आपको दे रहा हूं। डेंड्राइट कहां गए नर्व में? बेटा डेंड्राइट का काम सिर्फ एक बात याद रखें, नर्व में सेल बॉडी नहीं होती,
नर्व में सेल बॉडी नहीं होती, ये मैं अब आपको अगर दोबारा यहाँ पर बताता हूँ, मैंने टॉपिक पूरा करना है भाई, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, जो इधर जी अभी कम किसका माइक ऑन हुआ है, अब फिर कोई क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, हाँ टाइम थोड़ा रह गया, मैं दिखाता हूँ, देखें जो नर्व होती है ना उसका यहां से शुरू होता है स्ट्रक्चर, इस तरफ सेल बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या फंक्शन है डेंड्राइट्स का कि मैसेज को कैरी करके सेल बॉडी तक ले आना, और सेल बॉडी का काम होता है कि उसको लेकर ब्रेन की तरफ निकल जाना, और ब्रेन की तरफ वो किसके जरिए निकलती है, एक्सॉन के जरिए, सो डेंड्राइट का काम सिर्फ ये है कि मैसेज सेल बॉडी को दे दो बस, उसके अलावा इसका काम नहीं है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, अगर आपने नर्व की वैसे डायग्राम या लाइव नर्व देखनी है तो वैसे कुर्बानी के टाइम पे आपको वो देख लेनी चाहिए थी, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, ये इन लोगों ने दिखाया हुआ है वो श्वान सेल्स, ये मैं आप लोगों को तब पढ़ाऊंगा जब ऐसे आप लोगों के इस आर्टिकल में है श्वान सेल, अगर तो है तो पढ़ लेना चाहिए। नहीं, सेल बॉडी और सोमा इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द एंड द सेल इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल, न्यूरॉन रिमेन्स इंटैक्ट, कैन रीजनरेट एक्सोनल एंड, हाँ ठीक हो गया, यहाँ पर इन लोगों ने श्वान सेल्स का जिक्र नहीं किया हुआ तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप लोगों को जो नर्व की डायग्राम का आप कह रहे हैं यहाँ पर तो मेरा नहीं ख्याल गिवन है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, इस बुक से तो नहीं पढ़नी लेकिन ये सारी डायग्राम्स हम देखते हुए जाएंगे, वैसे देख लेते हैं। ओए फिल्म कहाँ से आ गई, फिल्म गिना आ जाए कुछ, देखा ना मैंने कहा बेटा दिखाएंगे किसी दिन, दिखा रहे हैं आपको, नर्व का ना एक्चुअली यहां पर ये है कि नर्व की एग्जैक्ट डायग्राम इसलिए नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि आपको सीधा सीधा ये बता दिया गया कि ये एक्सॉन्स की कलेक्शन है, इस वजह से एग्जैक्ट इसकी डायग्राम सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि जिस्म में कहाँ कहाँ फैली हुई है नर्व्स, कहाँ कहाँ से आ रही हैं और कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट इसकी डायग्राम जो है ना वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। इस पर से करते हैं ना, देखिए मैक्सिमम ये नर्व का क्रॉस सेक्शन है, इन्होंने स्टेन डायग्राम दिखा दिया आप लोगों को बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओए माइक ऑफ करो, कौन है ये, शुएब कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, दैट्स ऑल, इतना इससे ज्यादा तो इसमें नहीं है, ठीक है, सो नर्व को आप सिर्फ इतना देखेंगे ये जस्ट एक एग्जॉन्स का कलेक्शन है और कुछ नहीं है। जी बेटा किसका माइक ऑन था, क्वेश्चन करें जल्दी से, जी अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा, अब आप लोग ये देखें, ये इन्होंने दिखाया हुआ है एक अदद एसोसिएटिव न्यूरॉन, ये जो पहला न्यूरॉन है ये एसोसिएटिव है, मतलब ये कि यहां से इसको जो है वो आ रही है एक अदद जो है वो स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, डेंड्राइट से, ये डेंड्राइट से स्टिमुलस जो है ये पहुंचता है सेल बॉडी तक, अब ये देखें ये भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है, ये भी यहां तक सारे डेंड्राइट है, उसके बाद अगर इसने स्टिमुलस इस तरफ फॉरवर्ड करना है, जैसे आप लोगों को इस डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है कि जितनी भी न्यूरॉन्स हैं उन सब में जो स्टिमुलाए हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, सो यहां पर अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ आई, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से अब वो एक्सॉन के जरिए जा रही है, सो ये एक ब्रेन का एसोसिएटिव न्यूरॉन है,
इसी तरीके से डायग्राम बी जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. द डेंड्राइट्स ऑफ सर्टन ब्रेन सेल्स ब्रांच प्रोफ्यूजली, ये देख लें कि ये भी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ये भी ब्रेन का न्यूरॉन है ये वाला. ये इतने ज्यादा डेंड्राइड क्यों है? आपको पता है डेंड्रा का वर्ड, डेंड्रा का मतलब ट्री होता है. जो डेंड्रॉन है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है डेंड्रॉन. आपको लग रहा होगा मैं गलत बोल रहा हूं, डेंड्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिससे डेंड्राइड का वर्ड निकला है, ठीक है. और ये जो डेंड्राइड्स हैं इसका मतलब होता है ट्री, यानी हमारे सेल बॉडी के ऊपर एक अदर ट्री लाइक नेटवर्क मौजूद होता है. तो इसको आप देख लीजिए, जस्ट लाइक अ ट्री है. इसमें डिफरेंट जगहों से स्टिमुलाई आ रहे हैं, ये डिफरेंट जगहों से स्टिमुलाई आ रहे हैं. तो डिफरेंट जगहों से स्टिमुलाई आ रहे हैं, वो सारे के सारे इस तरफ आ रहे हैं. अब इसको आप कंसिडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये वाली सेल बॉडी है, ये इन्होंने लिखा भी हुआ सेल बॉडी. फॉर एग्जाम्पल यहां सिर्फ एक सेल बॉडी नहीं है, काफी ज्यादा सेल बॉडीज हैं. तो जो मैसेजेस आएंगे वो इन सब सेल बॉडीज को रिसीव होंगे और वो प्रोसेस करके उसके बाद उसके मुताबिक रिएक्शन जो है वो हम आगे को भेजेंगे. तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एसोसिएटिव का काम करते हैं. अवैस आपके सवाल की कंटिन्यूटी है ये. कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो सिर्फ एसोसिएटिव का काम कर रहे होते हैं, जैसे ये वाला है, ये सिर्फ एसोसिएटिव का काम कर रहा है. कुछ ऐसे होते हैं जो बकायदा थिंकिंग का काम करते हैं. वो थिंकिंग का काम करने वाले वो होते हैं जिनके डेंड्राइट बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं. फिर ये वाला जो न्यूरॉन है तीसरे नंबर पे, सी डायग्राम, ये न्यूरॉन जो है इट इज अ मोटर न्यूरॉन. ये मोटर न्यूरॉन मैंने कैसे पहचाना कि ये मोटर न्यूरॉन है? जी बच्चे हरी, अब जल्दी से आंसर करें कि ये मोटर न्यूरॉन कैसे है. जल्दी जल्दी जल्दी, सी यानी तीसरी डायग्राम, लेफ्ट साइड से तीसरी डायग्राम जो है वो मोटर न्यूरॉन कैसे है, मैंने कैसे पहचाना है? जी बिल्कुल, इफेक्टर, मसल इफेक्टर है, ठीक है. और जो नर्व इंपल्स है वो ऊपर से नीचे को जा रही है. तो इसका मतलब है यहां पर क्या है, यहां ब्रेन है. जो नर्व इंपल्स ब्रेन से इफेक्टर तक इंपल्स को लेकर जाती है, दैट न्यूरॉन विल बी कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन का एक लंबा सारा एक्सॉन होता है, ठीक है, और आगे छोटे छोटे इसके जो है वो इधर, ये डेंड्राइट्स मौजूद हैं, ये सेल बॉडी है और ये उसका एक्सॉन मौजूद है. और जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये ज्यादातर माइलिनेटेड होते हैं. माइलिनेटेड ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. और ये आप लोगों को सेंसरी न्यूरॉन का दिखाया जा रहा है कि ये रिसेप्टर सेल है. सेंसरी मतलब रिसेप्टर से आगे, ये रिसेप्टर सेल है. रिसेप्टर सेल का ये जो है वो फाइबर है जो नीचे की तरफ आ रहा है, किधर, सेल बॉडी तक, और सेल बॉडी से आगे आपको पता है अगर ये सेंसरी है तो फिर यहां क्या मौजूद है, यहां ब्रेन मौजूद है. क्योंकि जाहिर है अगर ऊपर मौजूद है रिसेप्टर, ये देखे ना, ये रिसेप्टर मौजूद है. रिसेप्टर से स्टिमुलस ने किस तरफ आना है, ब्रेन की तरफ आना है. तो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ आते हुए दरमियान में छोटी सी सेल बॉडी मौजूद है. ये सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन होता है कि इनकी सेल बॉडी छोटी होती है. मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी हमेशा बड़ी होगी जो ब्रेन से इफेक्टर तक ला रहे हैं, लेकिन जो ब्रेन जो है वो रिसेप्टर से ब्रेन तक लेकर आ रहे हैं उसकी सेल बॉडी छोटी सी होगी. ये निशानी रखनी है आपने मोटर और सेंसरी में. ये वाला सेंसरी है, ये आप निशानी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि स्टिमुलस रिसेप्टर से जा रहा है टुवर्ड्स ब्रेन, तो ये सेंसरी है. इसकी सेल बॉडी छोटी सी होती है और उसके बाद ट्रांसफर होता है स्टिमुलस. जी बेटा, क्लियर है, समझ आ गया टॉपिक? हाँ जी, बोलो भी, क्लियर है? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई हो? क्या हुआ वैस? न्यूरॉन्स कंबाइन होकर ब्रेन तक स्टिमुलाई लेके जाते हैं बेटा. हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए ना यार, 25 हो रहे, इसका आंसर मैं करता हूँ. न्यूरॉन्स एक्चुअली कंबाइन होकर नहीं जाते, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तीन चार सड़कें हैं वो एक ही तरफ को लेकर जा रही हैं, लेकिन और उन सब का रुख भी एक ही तरफ है, मतलब ट्रैफिक इधर से नहीं आ रही बल्कि एक ऐसे जा रही है.
लेकिन वो जो सड़कें हैं तीन चार, उनमें आप लेन चेंज नहीं कर सकते. क्या है, वो सड़कें जा रही हैं एक ही तरफ सारी, ठीक है. सो न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं ना, अगर वो एक्सॉन सारे के सारे ब्रेन की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टिमुलस, तो क्या है, वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारी लेग से भी न्यूरॉन आ रहे हैं, एक्सॉन आ रहे हैं, हमारी पसलियों से भी एक्सॉन आ रहे हैं, हमारे बाजू से भी एक्सॉन आ रहे हैं. जैसे जैसे ब्रेन के करीब होते जाएंगे, एक्सॉन मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठे होकर एक ही दफा स्टिमुलस दे. आपके पांव में चोट लगी है तो जरूरी नहीं है कि आपका हाथ का स्टिमुलस भी जाए. लेकिन जो नर्व होती है उसका रूल ये होता है, नर्व का रूल ये होता है कि उसने डिफरेंट जगहों से एक्सॉन को लेकर ब्रेन तक जाना होता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हर एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स मौजूद हो. इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ उसमें मौजूद होगा जिसको स्टिमुलेट किया जाएगा, बाकी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं होगा. लेकिन नर्व नेसेसरीली सारे एक्सॉन्स को कैरी करके ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन से लेकर आती है, ठीक है. सो नर्व जो है उनमें आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे चश्मे दरिया में मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट न्यूरॉन के एक्सॉन आकर नर्व में मिलते चले जाते हैं और आखिरकार बड़ी नर्व बनती है स्पाइनल कॉर्ड की और वो ब्रेन तक जाती है. क्लियर हो गया वैसे पूरा?